अर्पिता खान के पति आयुष शर्मा को जल्द ही बॉलीवुड में लॉन्च करने जा रहे हैं और उनके ऑपोजिट वारिना हुसैन को साइन भी कर लिया गया है। लेकिन क्या आपको पता है, इस फिल्म के लिए सलमान की पहली पसंद वारिना नहीं बल्कि कोई और ही था। खबरों की माने तो कैटरीना कैफ की छोटी बहन इजाबेल को सलमान बॉलीवुड में एंट्री दिलाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। यहाँ तक कि लवरात्रि फिल्म के लिए वो इजाबेल को ही लेना चाहते थे, लेकिन इजाबेल ने कुछ ऐसा कर दिया कि सलमान को अपने हाथ पीछे खींचने पड़े। खबरों की माने तो इजाबेल लवरात्रि फिल्म के लिए ऑडिशन देने गई थी। टेस्ट ले रहे लोगों को उनका लुक टेस्ट तो बहुत अच्छा लगा, वहीं ऑडिशन थोड़ा कम, जिसकी बड़ी वजह इजाबेल का कैमरा फ्रेंडली न होना बताया जा रहा है। वहीं सलमान के प्रोडक्शन हाउस से जुड़े एक शख्स ने बताया कि फिल्म में लीड रोल करने वाली एक्ट्रेस को हिंदी और गुजराती की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। ऐसे में एक कयास लगाए जा रहे हैं कि इजाबेल का इन भाषाओं की जानकारी ना होना उनके लिए मुसीबत बन गई और सलमान ने कैटरीना की बहन की जगह लवरात्रि में वारिना हुसैन को साइन कर लिया। वहीं ऐसी खबरें आ रही हैं कि इजाबेल की डेब्यू फिल्म का नाम टाइम टू डांस होगा। इस फिल्म में इजाबेल के ऑपोजिट सूरज पंचोली होंगे। खैर जो भी हो, फाइनली कैटरीना की बहन को फिल्म मिल ही गई। देखना दिलचस्प रहेगा कि इजाबेल का डेब्यू कितना धमाकेदार होता है। आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। तब तक लिए देखते रहिए NMF न्यूज़।